वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गुरुजी कॉमर्स। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट केस बुक। आज के सेशन में हम पढ़ेंगे केस बुक के बारे में, केस बुक कैसे प्रिपेयर करते हैं उसके बारे में। तो चलिए सबसे पहले केस बुक क्या है उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो देखिए, केस बुक इज अ स्पेशल जर्नल विच इज यूज फॉर रिकॉर्डिंग ऑल केस रिसिप्ट एंड केस पेमेंट। देखिए केस बुक क्या है, तो ये इसमें जैसे कि नाम से पता चल रहा है केस बुक, जिसमें केस पेमेंट और केस रिसीव दोनों का ही ट्रांजेक्शन का यहाँ पे अकाउंटिंग होता है, इसी का रिकॉर्डिंग होता है। केस बुक इज अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री सिंस ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड फॉर द फर्स्ट टाइम फ्रॉम द सोर्स डॉक्यूमेंट्स। देखिए सोर्स डॉक्यूमेंट से जो रिकॉर्डर किया जाता है, रिकॉर्डिंग किया जाता है फर्स्ट टाइम, उस ट्रांजेक्शन को केस बुक में लिखा जाता है। देखिए द केस बुक इज लार्जर इन द सेंस दैट इज डिजाइंड इन द फॉर्म ऑफ केस अकाउंट एंड रिकॉर्ड केस रिसिप्ट एंड डेबिट साइड एंड पेमेंट केस पेमेंट ऑन क्रेडिट साइड। देखिए डेबिट साइड में क्या होता है, केस रिसिप्ट को और केस पेमेंट को क्रेडिट साइड में लिखते हैं केस बुक में, ठीक है। तो यहां पे केस बुक में क्या करते हैं, तो केस जितना पेमेंट को रिसिप्ट को डेबिट साइड में, ठीक है, और केस पेमेंट को क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड किया जाता है। तो चलिए टाइप अब पढ़ेंगे हम लोग टाइप ऑफ केस बुक, केस बुक के कितने टाइप होते हैं। देखिए टाइप्स ऑफ केस बुक, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ केस बुक एज फॉलो। देखिए केस बुक का डिफरेंट टाइप है जो यहाँ पे दिया हुआ है, एक है सिंगल कॉलम केस बुक और एक है डबल कॉलम केस बुक, एक है ट्रिपल कॉलम केस बुक और एक है द मल्टी कॉलम केस बुक। यहाँ पे देखिए अब सबसे पहले सिंगल कॉलम केस बुक को समझते हैं कि यहाँ पे इसे कैसे बनाते हैं। देखिए सिंगल कॉलम केस बुक में जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि सिंगल कॉलम, इसमें एक ही कॉलम बनाते हैं और यहाँ पे केस बुक को रिकॉर्ड किया जाता है। और डबल कॉलम में क्या होता है कि डबल कॉलम केस बुक में ये दो कॉलम होता है, द डबल कॉलम केस बुक हैज टू अकाउंट टू अमाउंट कॉलम ऑन ईच साइड अंडर। देखिए एक केस एंड डिस्काउंट कॉलम और बी में रहता है केस एंड बैंक कॉलम, मतलब केस और बैंक कॉलम दोनों रहता है, और सी में देखिए बैंक एंड डिस्काउंट कॉलम और मतलब बैंक और डिस्काउंट कॉलम। अभी जब इसका फॉर्मेट बताएंगे तो अच्छा समझ में आ जाएगा। फिर देखिए ट्रिपल कॉलम केस बुक, ट्रिपल कॉलम केस बुक हैज थ्री अमाउंट कॉलम, जैसे कि नाम से पता चल रहा है ट्रिपल, ट्रिपल का मतलब क्या होता है तीन, है ना, तो तीन यहाँ पे अमाउंट कॉलम रहता है इसमें, वन फॉर केस वन फॉर बैंक, एक केस के लिए और एक बैंक के लिए। उसके बाद देखिए वन फॉर डिस्काउंट और एक डिस्काउंट के लिए। यहाँ पे बताया इसमें डबल कॉलम में क्या, एक केस के लिए एक दूसरा डिस्काउंट के लिए, बी में क्या है कि केस के लिए और बैंक के लिए, सी में क्या है तो बैंक के लिए और डिस्काउंट के लिए, मतलब इसका तीन तरह से बनेगा। और सिंगल में देखिए तो सिंगल में सिर्फ एक ही कॉलम का रहता है, देखिए कॉलम हैज कॉलम सिंगल कॉलम केस बुक हैज वन अमाउंट कॉलम ऑन ईच साइड, यहाँ पे एक ही अमाउंट कॉलम रहता है। ऑल कैश रिसिप्ट्स आर रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड एंड ऑल केस पेमेंट्स ऑन द क्रेडिट साइड। केस रिसिप्ट को डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं और केस पेमेंट को क्रेडिट साइड में। दिस बुक इज नथिंग बट अ केस अकाउंट एंड देयर इज नो नीड टू ओपन सेपरेट केस अकाउंट इन द लेजर, ठीक है। तो ये होता है। अब देखिए यहाँ पे थर्ड में बताएं जैसे कि तीन, अब देखिए नेक्स्ट फोर में क्या दिया हुआ है, तो द मल्टीपल कॉलम केस बुक। देखिए यहाँ पे है ट्रिपल कॉलम केस बुक हैज थ्री कॉलम अमाउंट्स, वन फॉर केस वन फॉर बैंक वन फॉर डिस्काउंट ऑन ईच साइड, दोनों साइड में। फिर देखिए ऑल रिसीप्ट्स एंड डिपॉजिट इनटू बैंक एंड डिस्काउंट अलाउड आर रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड, मतलब जितने भी तरह का रिसीप्ट्स होगा और डिपॉजिट होगा और डिस्काउंट अलाउड, इसको डेबिट साइड में लिखते हैं। एंड ऑल कैश पेमेंट, ऑल कैश पेमेंट फिर विथड्रॉवल फ्रॉम बैंक, फिर बैंक डिस्काउंट रिसीप्ट, जैसे डिस्काउंट यहाँ पे विथड्रॉवल फ्रॉम बैंक, बैंक से कुछ निकालते हैं तो, और डिस्काउंट रिसीप्ट, ये सब रिकॉर्ड कहाँ होगा, तो क्रेडिट साइड में होगा, ठीक है। अ ट्रिपल कॉलम केस बुक सर्व्स द पर्पस ऑफ केस अकाउंट एंड बैंक अकाउंट बोथ, थस देयर इज नो नीड टू क्रिएट दिस टू अकाउंट इज द लेजर। देखिए यहाँ पे क्या है,
फोर्थ में द मल्टीपल कॉलम केसबुक हैविंग मल्टीपल कॉलम्स ऑन बोथ साइड ऑफ द केसबुक, और यहाँ पे लास्ट में क्या है द पेटी केसबुक। पेटी केसबुक में क्या होता है, तो पेटी केसबुक में जैसे कि पेटी का मतलब होता है खुदरा, खुदरा मतलब जैसे कि जो डेली एक्सपेंसेज होता है ना, जैसे कि ओक्ट्रा हो गया, फ्रीट हो गया, गोडाउन रेंट हो गया, ये सबको क्या बोलेंगे, तो ये सब होता है पेटी केस है ना, खुदरा खर्च। तो वहां पे ये इसमें क्या होता है, तो खुदरा का रिकॉर्ड किया जाता है, जैसे कि दिन भर में कितना वेजेज पेड किए, कितना ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये सब जो होता है पेटी केस, मतलब दिन भर दिन प्रतिदिन का डे बाय डे का जो एक्सपेंसेस होता है उसमें इस यहाँ पे रिकॉर्ड किया जाता है पेटी केस में। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पांच टाइप का केस बुक बता चुके हैं है ना। अभी यहाँ पे देखिए थोड़ा सा फॉर्मेट, देखिए ये फॉर्मेट दिया हुआ है सिंगल कॉलम केस बुक का, देखिए ये सिंगल कॉलम केस बुक का फॉर्मेट दिया हुआ है, ये क्या है, तो यहाँ पे डेट लिखते हैं, ठीक है, और यहाँ पे देखिए पर्टिकुलर, यहाँ पे LF, LF मतलब लेजर वैल्यू, उसके बाद देखिए ये जो है यहाँ पे केस, ये डेट, फिर पर्टिकुलर, यहाँ पे पेमेंट, इधर का देखिए यहाँ तक जो हो रहा है, इधर का जो जो आइटम है ये रिसिप्ट का आइटम है और ये पेमेंट का आइटम है। ठीक है, जैसे कि डेट पर्टिकुलर LF केस यहाँ लिखे, फिर देखिए डेट पर्टिकुलर LF केस, तो ये इधर क्या है, ये क्रेडिट है और इधर क्या है डेबिट है, तो ये हुआ अब सिंगल स्पेसिमेन ऑफ सिंगल केसबुक कॉलम। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट अभी हम लोग पढ़ेंगे आगे डबल का, देखिए ये डबल कॉलम है, देखिए यहाँ पे देखिए ये स्पेसिमेन ऑफ डबल कॉलम केसबुक। डबल कॉलम केसबुक में क्या होता है, तो देखिए इधर यहाँ तक हो गया एक, देखिए ये डेट हो गया, पर्टिकुलर हो गया, फिर LF केस, डिस्काउंट अलॉट, इसके बाद इधर क्रेडिट साइड में देखिए, देखिए यहाँ पे तो ये पर्टिकुलर और LF, फिर केस, फिर डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव को इधर लिखेंगे है ना, डिस्काउंट अलाउड रहेगा तो इधर लिखेंगे। ये हुआ स्पेसिमेन ऑफ डबल कॉलम केसबुक, ये डबल कॉलम केसबुक का है ना। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे आगे, यहाँ पे देखिए यहाँ पे स्पेसिमेन ऑफ ट्रिपल कॉलम केसबुक। अब ट्रिपल कॉलम केसबुक में यहाँ पे देखिए, इधर देखिए ये डेबिट वाला में देखिए, यहाँ डेबिट है, डेट लिखेंगे, पर्टिकुलर LF केस, बैंक डिस्काउंट अलाउड, यानी कि तीन। अब डबल में क्या था, तो डबल में यहाँ पे था ना एक केस और डिस्काउंट अलाउड का, यहाँ भी केस और यहाँ भी डिस्काउंट रिसिप्ट का। अब यहाँ पे देखिए ट्रिपल कॉलम में तो केस का, फिर बैंक का, फिर डिस्काउंट अलाउड का, फिर यहाँ पे देखिए केस का, देखिए ये LF है, एक कॉलम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, अब ये केस का, फिर बैंक का, ये डिस्काउंट रिसिप्ट का है ना, तीन कॉलम बनाते हैं, और यहाँ पे डेट, यहाँ पे डेट, इधर का जो होता है वो क्रेडिट होता है और इधर का जो होता है वो डेबिट होता है। तो ये सिंगल, ये स्पेसिमेन ऑफ ट्रिपल कॉलम था। अब देखिए नेक्स्ट पढ़ेंगे अभी हम लोग, देखिए अब यहाँ पे क्या है, इज द केस बुक, इज द केस बुक जर्नल और लेजर। देखिए जर्नल और लेजर के बारे में, देखिए केस बुक इज अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री सिंस ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड फॉर द फर्स्ट टाइम फ्रॉम द सोर्स डॉक्यूमेंट्स। देखिए सोर्स डॉक्यूमेंट्स, जैसे कि हम एक पहले वाले वीडियो में बताए थे कि सोर्स डॉक्यूमेंट्स क्या होता है, ठीक है, तो सोर्स डॉक्यूमेंट्स का जो ट्रांजेक्शन होता है ना, वहाँ पर मतलब ये कोई भी डॉक्यूमेंट्स, कोई भी सामान आप परचेज किए तो सेल्स किए, तो आपको एक रिसिप्ट मिलता है, उसे हम क्या बोलते हैं, तो सोर्स डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, उसे सेल्स सोर्स डॉक्यूमेंट्स कहते हैं। तो उसी का जो रिकॉर्डेड रहता है ट्रांजेक्शन का, वो इसमें लिखते हैं केस बुक में, ठीक है, ये ओरिजिनल एंट्री रहता है। अब देखिए द केस बुक लेजर इन द सेंस दैट इज डिजाइंड फ्रॉम ऑफ केस अकाउंट एंड रिकॉर्डेड केस रिसिप्ट्स एंड डेबिट साइड एंड केस पेमेंट क्रेडिट साइड। देखिए केसबुक क्या है, लेजर, केसबुक इज लेजर द सेंस, देखिए यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि केस अकाउंट बनाते हैं, ठीक है, तो इसे बताया कि जैसे कि डेबिट साइड, इधर को डेबिट साइड कहते हैं, इधर को क्रेडिट साइड कहते हैं, तो यहाँ पे बोले कि इधर का जो रहता है, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि रिकॉर्डेड केस रिसिप्ट ऑन डेबिट साइड, रिसिप्ट को डेबिट साइड में लिखते हैं और पेमेंट को क्रेडिट साइड में लिखते हैं, ठीक है, ये केस का। अब देखिए नेक्स्ट, देखिए एक प्रॉब्लम लेते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए सिंगल एंट्री सिस्टम, सिंगल कॉलम केसबुक में, देखिए यहाँ पे क्या है, ये देखिए
राइट अप अ सिंगल कॉलम केसबुक ऑफ मिस्टर वाई फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2015, अप्रैल 2015, ठीक है। यहाँ पे देखिए बैलेंस इन केस हैंड, केस हैंड में मतलब केस हैंड में कितना था, 5,000 रुपये। फिर देखिए सोल्ड गुड्स टू मिस्टर जेड ऑन क्रेडिट। फिर देखिए अब देखिए यहाँ पे हम बोले कि सिंगल कॉलम केसबुक में या तो केसबुक, तो केसबुक में सभी ट्रांजेक्शन जो केस रिलेटेड होता है उसी को यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं, और जो केस रिलेटेड नहीं रहता है उसे नहीं करते हैं। यहाँ पे देखिए ये सोल्ड गुड्स टू मिस्टर जेड ऑन क्रेडिट है तो यहाँ पे नहीं होगा इसका। फिर देखिए सोल्ड गुड्स फॉर केस तो इसका एंट्री होगा, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फॉर मिस्टर पी फॉर 3,000 इसका भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे केस का कहीं लिखा ही नहीं है। फिर देखिए पेड टू मिस्टर पी फॉर 2,000 एंड रिसीव डिस्काउंट 200, यहाँ पे देखिए होगा क्योंकि ये पेड करे तो केस में ही पेड करे और रिसीव डिस्काउंट हो रहा है वो भी केस में हो रहा है। यहाँ पे देखिए रिटर्न गुड्स टू मिस्टर पी, ये पे रिटर्न गुड्स हो रहा है यहाँ तो केस यहाँ भी नहीं होगा। फिर देखिए गुड्स रिटर्न बाय मिस्टर जेड यहाँ पे भी नहीं होगा। देखिए तो यहाँ पे सारा का सारा केस रिलेटेड ही एंट्री होगा, ठीक है। तो देखिए केस अकाउंट सबसे पहले बनाते हैं, अभी देखिए इसे यहाँ पे सॉल्व करेंगे। देखिए इस तरह का फॉर्मेट बनाएंगे, यहाँ पे देखिए इस तरह का फॉर्मेट है, यहाँ इधर डेट पर्टिकुलर एलएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर एलएफ अमाउंट, ठीक है। ये केस बुक है एज द ओनली बुक ऑफ सिंगल एंट्री, यहाँ पे सिंगल एंट्री होता है ये बोला। देखिए यहाँ पे नाम जो था तो इन द बुक्स ऑफ मिस्टर एम मिस्टर वाई, यहाँ मिस्टर वाई का बुक में था ये लिख दिए। अब यहाँ पे डेट देखिए तो सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस जो ओपनिंग केस रहता है तो यहाँ पे टू बैलेंस बीडी लिखेंगे। टू बैलेंस बीडी मतलब क्या होता है, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन जो होता है उसको यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। तो ये 5,000 रुपया, अब देखिए ये 5,000 रुपया कहाँ से लिखे हैं उसको समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पे देखिए ये पाँच हज़ार लिख दिए। अब देखिए सोल्ड गुड्स टू मिस्टर जेड ऑन क्रेडिट ये नहीं होगा, लेकिन यहाँ देखिए सोल्ड गुड्स फॉर केस, अब इसका एंट्री जब आप करेंगे देखिए सोल्ड गुड्स फॉर केस तो आप सामान को बेचे केस में तो क्या आया, तो जो आता है उसे डेबिट। यहाँ पे देखिए ये जो है देखना होगा तो ये गुड्स, तो गुड्स किस अकाउंट में है तो ये गुड्स है रियल अकाउंट में, और केस किस अकाउंट में है तो ये भी रियल अकाउंट में है। तो रियल अकाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब कि अब इसका ये जो दिया हुआ डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो डेबिट आता उसे डेबिट करते हैं, जो जाता उसे क्रेडिट करते हैं। तो आप सामान बेच रहे तो आ क्या रहा है और जा क्या रहा है, तो सामान जब बेच रहे हैं तो आपका आने वाला चीज जो है वो पैसा है और जाने वाला चीज सामान है। इसका एंट्री ऐसे करेंगे, देखिए यहाँ पे केस अकाउंट डेबिट ऐसे करेंगे, केस अकाउंट डेबिट टू गुड्स या टू सेल्स, है ना, इसका एंट्री ये होगा। तो यहाँ पे एंट्री होगा केस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, है ना। अब देखिए तो अब केस अकाउंट हम बना रहे हैं तो जब केस अकाउंट बना रहे हैं तो टू में जो सेल्स होगा वही यहाँ पे लिखेंगे। देखिए टू सेल्स कितना 1,000 है, तो यही यहाँ पे 1,000 रुपया लिखा है। देखिए यहाँ पे टू सेल्स 1,000, ठीक है, ये समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे टू सेल्स 1,000 आया। तो ये 5,000 जो ओपनिंग है सो लिखे और 1,000 यहाँ पे आया, ठीक है। अब फिर क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे। अब देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, जहाँ पे केस रिलेटेड रहेगा वही उसी का यहाँ पे ट्रांजेक्शन होगा, रिकॉर्ड होगा। देखिए ये हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम मिस्टर पी फॉर इतना, देखिए क्रेडिट पे यहाँ पे लिया है 3,000 का, तो क्रेडिट पे लिया है तो इसका यहाँ पे मेंशन नहीं होगा क्योंकि यहाँ केस से का ट्रांजेक्शन ही रिकॉर्ड करते हैं, तो ये नहीं होगा। फिर देखिए पेड टू मिस्टर पी 2,000 रुपया, पी को आप 2,000 रुपये पेड कर रहे हैं, ठीक है। तो जब मिस्टर पी को पेड किए तो यहाँ पे इसका एंट्री क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे इस एंट्री को आप यदि ये गोल्डन रूल से बनाएंगे तो गोल्डन रूल से इसको बनाएंगे तो यहाँ पे देखिए एक आपका ये 2,000 रुपया यानी कि उसको कैश दे रहे हैं और पाने वाला क्यों कौन हो गया, तो मिस्टर पी हो गया। तो देखिए ये मिस्टर पी ये जो है ये तो पर्सनल अकाउंट का है और 2,000 रुपया आप कैश दे रहे तो रियल अकाउंट का है। तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, तो पाने वाले को डेबिट किया जाता है, ठीक है, और देने वाले को क्रेडिट किया जाता है। तो मिस्टर पी यहाँ पर पाने वाला है इसलिए पी को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, यहाँ लिखेंगे पी अकाउंट डेबिट, ठीक है, पी अकाउंट डेबिट टू क्या लिखेंगे, दे रहे हैं टू कैश, ठीक है। जब यहाँ पे देखिए टू कैश अकाउंट, तो यहाँ पे कैश अकाउंट टू में है, तो ये कहाँ, ये बाय में है ना, डेबिट है। तो यहाँ पे देखिए इसको हम लोग जनरल एंट्री में यहाँ पे कैश बुक में उसी तरह लिखेंगे, देखिए बाय पीज, यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखे हैं इधर
यहाँ पे लिखना है, ये टू गलती से लिखा हुआ है यहाँ पे, बाय बाय मिस्टर पी अकाउंट 2000, ठीक है, बाय मिस्टर पी अकाउंट 2000 लिखना है। अब देखिए यहाँ पे, और ये सिंगल कॉलम को कैशबुक है इसलिए यहाँ पे डिस्काउंट का नहीं होगा। तो आपको ये समझ में आ गया, ये भी समझ में आ गया, अब ये भी समझ में आ गया, ठीक है। अब देखिए, अब नेक्स्ट भाई हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे, देखिए तो ये जो दिया हुआ है 15 में, उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ तक ये वाला तो हो गया है ना, ये तो हो गया, इसका हो गया। अब यहाँ देखिए 15 में दिया हुआ है रिटर्न गुड टू मिस्टर पी फॉर 800। देखिए 800 का यहाँ रिटर्न गुड्स किया मिस्टर पी को, है ना, तो यहाँ पे गुड्स रिटर्न किया, केस का तो कोई यहाँ पे मेंशन ही नहीं किया गया है, इसलिए यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है, मतलब नहीं लिखेंगे यहाँ पे। फिर देखिए 20 में गुड्स रिटर्न बाय मिस्टर जेड फॉर केस, यहाँ पे देखिए 300, ठीक है, तो यहाँ पे भी इस केस का कहीं नहीं लिखा गया, जिक्र ही नहीं किया गया है, तो यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए 25 तक में, यहाँ देखिए 25 में जेड सेटल्ड हिज अकाउंट फॉर 2500। देखिए ये जेड को क्या कर रहा है, अपना अकाउंट जो भी लिया था पहले से वो 2500 में सेटल कर दे रहा है, मतलब 2500 दे रहा है, उसके बाद वो नहीं देगा, खत्म हो जाएगा उसका। तो यहाँ पे देखिए जेड पहले से कितना लिया हुआ था, तो जेड जो था वो 3000 का लिया था, है ना, यहाँ पे देखिए जेड 3000 का लिया था, लेकिन वो 2500 पेड कर दे रहा है। तो जब 2500 पेड करेगा, यहाँ तो हमको डिस्काउंट का नहीं लिखना है इसलिए नहीं लिखेंगे, तो 2500 पेड करेगा, तो मान लीजिए वो हमको दिया क्या दिया, तो केस दिया, केस अकाउंट डेबिट यहाँ पे लिखेंगे, टू में क्या लिखेंगे, तो जेड अकाउंट, है ना, तो जेड अकाउंट टू में लिखेंगे, तो इसलिए केस जब अकाउंट खोलेंगे तो यहाँ पे टू में लिखेंगे जेड का कितना, 2500 रुपया। आई होप ये समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ पे लिखे हैं 25 तारीख का, यहाँ देखिए 25 डेट है ना, यहाँ जनवरी अप्रैल का, देखिए टू जेड अकाउंट, ठीक है। अब जेड अकाउंट में कितना, तो 25, देखिए यहाँ पे देखिए टू जेड अकाउंट में 2500 रुपया, ठीक है। अब देखिए और कुछ है, यहाँ पे देखिए पेड सैलरी बाय चेक, अब देखिए सैलरी पेड कर रहे हैं चेक से, तो चेक से पेड कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे केस का तो बात नहीं हो रहा है, चेक उसको दे रहे हैं, तो यहाँ पे केस का तो मेंशन नहीं किया गया है, इसलिए इसका यहाँ पे नहीं लिखेंगे, ठीक है। देखिए तो उसका भी यहाँ पे नहीं लिखे। अब देखिए यहाँ पे क्या है, रिसीव्ड इंटरेस्ट, अब इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हैं, ठीक है, तो जब रिसीव्ड कर रहे हैं तो क्या आया, यहाँ पे देखिए क्या आया, तो केस अकाउंट, इसका एंट्री जब हम लोग करेंगे तो केस अकाउंट डेबिट होगा, इसे करेंगे केस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, इसे करेंगे टू इंटरेस्ट अकाउंट, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 1000 था, 1000 यहाँ भी लिख देंगे और 1000 यहाँ भी लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए केस का अकाउंट जब हम ओपन कर रहे हैं तो इंटरेस्ट टू में है, इसलिए यहाँ पे टू इंटरेस्ट लिखे हैं 30 तारीख को, तो 1000 है ना। अब ये सबको आपको जोड़ देना है, ठीक है, ये सबको जोड़िए, जोड़ेंगे तो आएगा कितना, 9500, और इधर आपका 2000 रुपया अभी हम बताए थे जो पेड कर रहे थे, अब 9500 में अब देखिए यहाँ पे 2000 आपको लेस करना है, ठीक है, तो 2000 लेस करेंगे तो कितना आया, तो 7500, ये 7500 बाय बैलेंस सीडी आया। अब यहाँ पर 1 मई को ये बैलेंस बीडी लिख देंगे, मतलब यही वाला यहाँ पे ब्रॉड डाउन होगा, यानी कि 7500, ठीक है। तो ये बना आपका केस बुक और ये सिंगल कॉलम केस बुक, ठीक है। अभी हम फिर पढ़ेंगे डबल कॉलम केस बुक। देखिए तो सिंगल कॉलम केस बुक कंप्लीट हुआ, अब देखिए यहाँ पे आप नेक्स्ट पढ़ेंगे यहाँ डबल और ट्रिपल, ठीक है, तो ट्रिपल पहले सीख लेंगे, डबल उसी तरह है, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। देखिए यहाँ पे कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन के बारे में भी हम पढ़ेंगे, देखिए ये कॉन्ट्रा कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन क्या होता है, देखिए ट्रांजेक्शन विच आर रिलेटेड टू अलाउिंग डिस्काउंटिंग डिस्काउंट और रिसीविंग डिस्काउंट, मतलब कि यहाँ पे अलाउिंग डिस्काउंट, बट जो डिस्काउंट अलाउट करते हैं और डिस्काउंट रिसीव करते हैं, दोनों का रहता है केस, आफ्टर दैट सेटलमेंट ऑफ ड्यूज आर नोन एज कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन। इस जैसे कोई ड्यूज रहता है तो आप क्या करते हैं, डिस्काउंट देते हैं, ठीक है, डिस्काउंट देते हैं तो डिस्काउंट अलाउड होता है, डिस्काउंट मिलता है आपको तो डिस्काउंट रिसीव होता है, तो उसके बाद वो सेटल करते हैं अकाउंट को, है ना, तो उससे क्या कहते हैं कि वो कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन है। जैसे आप एग्जाम्पल में देखिए क्या क्या एग्जाम्पल में देखिए, कैश डिपॉजिट इंटेड इन टू बैंक, देखिए कैश डिपॉजिट कर रहे हैं बैंक में, ठीक है, जब बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं कैश, तो यहाँ पर देखिए इसका एंट्री क्या होगा,
तो पाने वाले को डेबिट करेंगे और जो जा रहा है उसे क्रेडिट करेंगे, तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब इसका एंट्री इस तरह होता है, तो यहाँ पे देखिए बैंक में भी इसका लिखेंगे वहाँ पे और कैश में भी लिखेंगे, मतलब कैश अकाउंट जहाँ पे लिखे कैश का कॉलम वहाँ पे भी आपको लिखना है और बैंक में भी आपको लिखना है, ठीक है। अब देखिए कैश विथड्रॉल फ्रॉम बैंक, तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, है ना, बैंक से आप पैसा निकाले तो कैश आया और बैंक से आया, तो यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट होगा। इसे भी आप एंट्री करके देखिए तो कैश अकाउंट टू बैंक अकाउंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, तो यहाँ कहने का मतलब क्या है कि वो कैश में भी आपको मेंशन करना होगा और बैंक में भी, दोनों में मेंशन करना होगा, तो उसे क्या बोलते हैं कॉन्ट्रा, यानी दोनों जगह में लिखा रहा है, ठीक है। अब देखिए चेक ट्रांजेक्शन, अब ये हो गया, अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे चेक ट्रांजेक्शन, ठीक है। तो चेक ट्रांजेक्शन को देखिए यहाँ पे, when a check is received and no any other information at a later date about the same is given, it will be assumed that the said check has already been deposited into bank on the same day when it was received, then the entry should be as under। इसका एंट्री क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए बैंक अकाउंट टू डेटर्स अकाउंट, मतलब जो डेटर होता है यानी जो ले रख के चला गया, जो मतलब डेटर देता है ना, इसे मान लीजिए आप उधार सामान ले लिए, ठीक है, तो आप सामान उधार लिए तो आप हमको फिर पैसा दे रहे हैं, तो आप हमें पैसा दे रहे हैं तो वहाँ पे बैंक के थ्रू आप पैसा दे रहे हैं, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू आपका नाम होगा यहाँ पे, है ना, या तो डेटर होगा। बट इफ इट इज फाउंड दैट सेड चेक हैज बीन डिपॉजिटेड इन टू द बैंक एट अ लेटर डेट, देन द एंट्री विल बी, देखिए अब यहाँ पे दो तरह से इसका एंट्री किया जाएगा, ठीक है। एक तरह से अभी बताए बैंक यहाँ पे इसका एंट्री कैसे होगा, यहाँ पे देखिए एक व्हेन द चेक इज रिसीव्ड, चेक जब रिसीव कर रहे हैं तो कैश अकाउंट टू डेटर अकाउंट पार्टी का जो नाम होगा, व्हेन द सेम वाज डिपॉजिटेड इनटू द बैंक एट अ लेटर डेट तो बैंक अकाउंट टू कैश अकाउंट। फिर देखिए व्हेन द सेड चेक इज डिजॉनर्ड बाय द बैंक, बैंक यदि डिजॉनर्ड करता है तो क्या होगा, बैंक डेटर या तो पार्टी अकाउंट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। इस तरह का ये एंट्री होगा, अब ये एंट्री आप नोट कर लें। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को तीनों ट्रिपल कॉलम केस बुक में हम इसे सॉल्व करेंगे। देखिए लेट अस सी द इलस्ट्रेशन फॉर द फॉलोइंग केस एंड बैंक ट्रांजेक्शन इन द बैंक इन द बुक ऑफ मिस्टर अभिषेक। अब यहाँ देखिए जनवरी को ओपनिंग केस बैलेंस वाज इतना एंड बैंक बैलेंस वाज इतना, यानी कि केस और बैंक दोनों बैलेंस में दिया हुआ है, केस में दिया 3800 और बैंक बैलेंस में दिया हुआ 27,500 रुपया, ठीक है। तो जब इसका हम लोग केस में जब लिखेंगे केस अकाउंट बनाएंगे तो केस कॉलम में लिखेंगे टू में टू बैलेंस वीडियो में कितना 3800 और बैंक में लिखेंगे टू बैलेंस वीडियो में 27,500, ठीक है, ये इसका वहां पे लिखेंगे। देखिए यहाँ पे देखिए इस तरह का कॉलम बनाना है, ट्रिपल बनाना है। यहाँ पे देखिए इधर डेट लिखे है ना, इधर देखिए रिसिप्ट, इधर यहाँ तक देखिए इधर ये रिसिप्ट हुआ, इधर पेमेंट हुआ। अब रिसिप्ट में देखिए ये पर्टिकुलर, फिर एलएफ, फिर केस, ये बैंक, ये केस का, ये बैंक का, ये डिस्काउंट अलाउड होता है तो डिस्काउंट अलाउड करते हैं हम तो यहाँ पे लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए पर्टिकुलर लिखेंगे, ये डेट लिखेंगे पर्टिकुलर, फिर एलएफ, फिर केस, फिर बैंक और ये डिस्काउंट रिसिप्ट होता है तो यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो ये इतना कॉलम आपको बनाना है। अब देखिए ये कॉलम बनाने के बाद अभी हम बोले जो ओपनिंग बैलेंस रहता है, ओपनिंग बैलेंस कैश बुक का और ओपनिंग बैलेंस बैंक का, तो यहाँ पे लिखिए, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ ना टू ओपनिंग बैलेंस, ठीक है, टू ओपनिंग बैलेंस, टू बैलेंस वी डी आप लिख सकते हैं, कितना कैश में 3800 और बैंक में 27,500, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए आगे फिर क्वेश्चन को पढ़ेंगे कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए एक तारीख का हो गया, अब देखिए चार तारीख का, फिर यहाँ पे देखिए वेजेज पेड इन कैश, वेजेज पेड कर रहे हैं कैश में, तो इसका एंट्री क्या होगा, तो इसका एंट्री जब कैश वेजेज पेड कर रहे हैं तो एक तरह का वेजेज क्या एक्सपेंसेज है, ये नॉमिनल अकाउंट में है और नॉमिनल अकाउंट में ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉसेज को डेबिट करते हैं, ठीक है। तो वेजेज अकाउंट यहाँ पे इसका एंट्री होगा, देखिए वेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है, तो वेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट होगा। तो यहाँ पे देखिए जब ये कैश वाला कॉलम में, तो यहाँ पे वेजेज पेड कर रहे हैं तो पेमेंट को हमको क्या लिखना है, तो इधर क्रेडिट साइड में, ठीक है, यहाँ पे देखिए
ये पेमेंट है ना, तो देखिए वेजेज पेड, यहाँ पे वेज वेज पेड को क्या लिखा है, तो इधर यहाँ पे देखिए, तो ये वेजेज पेड का यहाँ पे लिखेंगे 1500 रुपया, ठीक है, ये केस में, केस क्योंकि केस से पेड कर रहे हैं। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो यहाँ पे 1500 हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, यहाँ पे देखिए जनवरी है ना, रिसीव्ड चेक 19800 फ्रॉम KBK एंटरप्राइज आफ्टर अलाउिंग डिस्काउंट 200। देखिए डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं उसको किए, तब हमें वो पैसा दिया चेक के माध्यम से 19800, ठीक है, और यहाँ पे डिस्काउंट अलाउड अलाउड किए हैं, ठीक है, तो यहाँ पे डिस्काउंट अलाउड में लिखेंगे हम लोग 200 रुपया और 19800 रुपया बैंक में लिखेंगे। देखिए यहाँ पे देखिए ये 200, देखिए रिसीव्ड फ्रॉम KBK 19800 लिखे बैंक में और 200 डिस्काउंट अलाउड किए 100 लिखे, ठीक है। अब देखिए यहाँ तक हो गया, और फिर क्वेश्चन को पढ़ेंगे नेक्स्ट, 5 जनवरी का हुआ था। अब देखिए 7 जनवरी यहाँ पे लिखा हुआ है, ये 7 जनवरी, 7 जनवरी में क्या है कि पेड टू कंसल्टेंसी चार्ज बाय चेक 7500। अब पेड कर रहे हैं तो पेड कर रहे हैं तो बाय में होगा ना, बाय में लिखेंगे बैंक। देखिए यहाँ पे इसका एंट्री जो होगा, यहाँ पे देखिए कंसल्टेंसी फी है कितना 7500, बाय में लिखना है, ठीक है। अब ये एंट्री यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या है, ये 7 का हो गया, ये 7 का हो गया। अब 10 में देखिए, ए केस ऑफ 2500 विथड्रॉन फ्रॉम बैंक, बैंक से आप पैसा निकाले, ठीक है, जब ये पैसा निकाले हैं आप तो क्या लिखेंगे, जब देना रहता है तो इधर लिखते हैं, ठीक है, लेकिन अब पैसा निकाले थे टू साइड में लिखेंगे 2500। यहाँ पे देखिए ये 2500, देखिए यहाँ पे लिखे हैं केस विदड्रॉन 2500, यहाँ पे 2500 लिखे विदड्रॉन किए तो केस आया, लेकिन देने वाला या देखिए केस विदड्रॉन, यहाँ पे देखिए बैंक, तो बैंक में, तो इसे क्या बोलेंगे कि ये कॉन्ट्रा एंट्री है, ठीक है, ये क्या है, तो ये कॉन्ट्रा, क्योंकि केस में भी यहाँ पे लिखे और यहाँ पे बैंक में भी लिखे, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब आगे फिर क्वेश्चन को पढ़ेंगे हम लोग कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। देखिए ये 10 तक हो गया, 10 तक हो गया, 12, 12 जनवरी को देखिए रिसीव चेक 4500 फुल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट मिस्टर एक्स एट डिस्काउंट ऑफ 10% एंड डिपॉजिट द सेम इनटू द बैंक। अब देखिए कैश रिसीव किए, रिसीव चेक किए, ठीक है, 4500, तो 4500 जो चेक रिसीव किए हैं तो यहाँ पे देखिए इसको हम लोग क्या लिखे, 4500 रिसीव्ड आया, ठीक है, यहाँ पे देखिए तो मिस्टर एक्स दिए 4500, है ना, लेकिन वो 5000 का लिया हुआ था। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन को देखना होगा, मिस्टर एक्स कितना का लिया था, देखिए मिस्टर एक्स जो है यहाँ पे 10% दिया हुआ है कि उसे क्या दिए डिस्काउंट, ठीक है, तो 10% डिस्काउंट देने के बाद वो हमको 4500 दिया, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे डिस्काउंट में कितना लिखेंगे, तो यहाँ पे मिस्टर एक्स का कहीं भी लिखा नहीं है, ठीक है, तो वो आपको निकालना होगा। तो वो निकालने के लिए क्या करेंगे, 10% डिस्काउंट के बाद 4500 है, तो ये 4500 जो है वो 90% के बराबर है ना, तो आपको निकालना होगा फुल कितना 100% पहले, तो 100% निकालना, 10 10 10 कैंसिल, यहाँ काटिएगा तो 9 5 45, ठीक है, यहाँ पे 5 50 हो गया, इसको करिएगा तो 5000, ठीक है, अब 5000 फुल था उसका दाम, तो देखिए यहाँ पे 5000 आया, ठीक है, 5000 उसका था 100%, लेकिन वो 10% डिस्काउंट करके तो 4500 रुपया में दिया, ठीक है, तो 4500 दिया तो कितना डिस्काउंट हमें उसको दे रहे, तो 500 जो हुआ ना तो वो डिस्काउंट अलाउड कर रहे हैं, ठीक है, तो वही यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे देखिए डिस्काउंट अलाउड में, यहाँ पे देखिए 4500 वो दिया तो बैंक में लिखे क्योंकि चेक के माध्यम से दिया है। अब देखिए यहाँ पे डिस्काउंट अलाउड उसको 500 रुपया मिला, ठीक है, ये यहाँ पे लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए यहाँ मिस्टर एक्स जो है वो बैंक में यहाँ पे लिखेंगे इधर 4500 और उसे यहाँ पर भी ये डिस्काउंट में 500, देखिए दोनों जगह यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद लास्ट में देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये एक्स चेक रिटर्न डिजोनर्ड बाय द बैंक, एक्स का चेक रिटर्न जो है
वो बैंक से रिजाइन हो गया। पंद्रह तारीख को, ठीक है। तो 15 तारीख वाला में यहाँ पे देखिए, इधर 12 तारीख में जो लिखे थे यहाँ पे, ये मिस्टर एक्स के जो हमें दिया चेक से 4500, 500 को डिस्काउंट दिया, लेकिन यहाँ पे बैंक जो है डिजोनर कर दिया है, तो यहाँ लिखेंगे 15 जून, 15 जनवरी, और मिस्टर एक्स का कितना 4500, और यहाँ पे डिस्काउंट का 500 रुपया, ठीक है। अब क्या करेंगे, इधर टोटल को जोड़ना है आपको, इधर टोटल जोड़िए या तो इधर टोटल जोड़िए, जो जिधर ज़्यादा हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे ज़्यादा किधर हो रहा है, यहाँ देखिए इधर ही हो रहा है ना, यहाँ पे इधर जोड़ने 6300 आता है, फिर 6300, यहाँ पे 1500 लेस करिएगा तो 4800 ये क्लोजिंग बैलेंस, फिर यहाँ देखिए 51800 आया, उसमें से ये इसको और इसको इसको तीनों को ऐड करके लेस कीजिएगा तो 37300 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसका यहाँ पे डिस्काउंट कितना 500-700 रुपया, और यहाँ पे डिस्काउंट 500 रुपया, मतलब डिस्काउंट अलॉट किए हम 500 रुपया, 700 रुपया हम दिए किसी को, हमें डिस्काउंट कितना मिला तो 500 मिला है, ठीक है। तो ये फाइनली ये बना, आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। हम नेक्स्ट वीडियो में हम और क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। यहाँ पे देखिए, देखिए प्लीज नोट दैट द बैलेंस ऑफ डिस्काउंट कॉलम इज नॉट टेकन एंड दिज आर पोस्टेड डायरेक्टली टू द रिस्पेक्टिव लेजर अकाउंट सेपरेटली। द बैलेंस कैश बुक कॉलम आर पोस्टेड इन टू कैश एंड बैंक अकाउंट्स पीरियडिकली, द पोस्टिंग इन टू लेजर इज एक्सप्लेन लेटर इज दिस चैप्टर। यहाँ पे देखिए जो बोले, यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि कैश को और बैंक को हम लोग टोटल करके यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर बताए ना, जो बैलेंसिंग फिगर आया वो 4800, ये क्या आया क्लोजिंग आया है ना, लेकिन यहाँ पे आप सोचेंगे कि नहीं यहाँ 700 आया, यहाँ पे 500 आया, तो यहाँ पे इसका हम लोग टोटल नहीं करते हैं, इसका बैलेंसिंग नहीं होता है, ठीक है, इसलिए डिस्काउंट अलाउट को नहीं करते, और ये केस का भी करते हैं और बैंक का भी करते हैं, क्योंकि ये लेजर को पोस्टिंग किया जाता है नेक्स्ट के लिए, है ना, नेक्स्ट के लिए। यहाँ पे जो बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस यहाँ लिखे टू बैलेंस बाय बैलेंस सीडी, वो इधर आता है तो टू बैलेंस बीडी हो जाता है, यहाँ पे टू बैलेंस बीडी लिखते हैं, ठीक है, इसीलिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब माई चैनल, और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।